नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पेट 2023 एग्जाम के लिए पिछले वर्ष के जो पेट 2022 के पेपर हुए थे उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने 15/10/2022 की प्रथम पाली का सॉल्यूशन का पेपर का सॉल्यूशन देखा था। यदि नहीं देखा हो साइड माई बटन में पिछला वीडियो मिल जाएगा। पहले हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, उसके बाद हम आगे टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो टोटल 100 प्रश्न आते हैं। आज हम 15/10/2022 की सेकेंड पाली दूसरी पाली के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप सभी को पता है विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो ये धर्म अच्छा किस मुद्रा में दिया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा जो है सही हो जाएगा। अगला, इनमें से किस शासक के दरबारी कवि जो है वो हरिषेण थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है वो हरिषेण थे। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? तो औरंगजेब ने इसे फिर से जो है वो लगवाया था। इनमें से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो आपको पता है रेलवे चला किसके टाइम में था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। कब चला था? 1853 में। बंबई से ठाणे चला था। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ये 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में देखने को मिला। अगला है आपका, 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो था नमक कानून तोड़ने के लिए जो दांडी मार्च चलाया गया था वो मेन कारण जो है वो था। अगला, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालचारी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल की तरह क्वेश्चन बनता है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष करके पूछा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला, इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इनमें से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय के रूप में जाना जाता है? तो कैस्पियन सागर आपका जाना जाता है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि अगर हो जाती है और कई दिनों तक लगातार आपकी जारी रहती है तो इसे मानसून का क्या कहा जाता है? इसे मानसून का प्रस्फोट या फटना इन नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है जिसमें अचानक से पारा गिर जाता है, पारा बढ़ जाता है, मतलब इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगला कह रहे हैं, जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होती है? तो ग्रीन विच मीन टाइम जीएमटी की फुल फॉर्म होती है। 5.5 घंटा आगे भारत के अगर समय की बात करते हैं तो। अगला है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूड अशोधित जन्म दर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सागौन के जो जंगल हैं वो भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं सागौन के जंगल। कौन सी योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है वो थे? तो श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्षेत्र है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता के रूप में जाना जाता है? तो प्राइमरी सेक्टर आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो पंजाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पर आपको ध्यान है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था। और एक्चुअल में कितनी हुई थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 14 प्रमुख बैंकें थी जिनका राष्ट्रीयकरण जो है आपका हुआ था। अगला कह रहे हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण को लेकर के बात की जाती है? तो मैंने कई बार बताया अधिकार मांगते हैं दो ना, मुझको भी अधिकार दो ना, तो 2 से 2 हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा, 29 आपका आर्टिकल सही हो जाएगा। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राजनीति का नीति निर्देशक तत्व जो है उस सिद्धांत जो है उसको जोड़ा गया था? तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। इनमें से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं जैसे संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य होता है, उसके आदर्श, उसकी संस्थाएं, उसका राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान का सम्मान करें, और भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, उसकी रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में जो समान भ्रातृत्व की भावना है उसको बनाए रखें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, इसी प्रकार अलग अलग करके टोटल मौलिक
कर्तव्यों की संख्या 11 देखने को मिलती है, तो इसी में वही दिए गए होंगे एक एक करके ऑप्शन। आपको वही पूछा गया था कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। अगला कह रहा है अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है, तो कानून बनाना जो है वो संसद का कार्य जो है वो होता है। सरकारी आयोग इनमें से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है, कई बार ये बता चुके हैं ऑलरेडी हम आपको। प्रकाश वर्ष किसकी एक मापने की इकाई है? तो तारकीय दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो आप जानते हैं दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, और उसके बाद नंबर आता है प्रकाश वर्ष का। सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन आपका समान तत्व के रूप में जो है वो जाना जाता है। नॉनस्टिक खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसमें किसका लेप लगा रहता है, किससे लेपित होते हैं? तो टेफ्लॉन से जो है वो होते हैं। आप नीचे देखते हैं उसमें टेफ्लॉन लगा भी रहता है जिससे वो जलते नहीं बर्तन वगैरह। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन आपका सबसे बुद्धिमान स्तनधारी के रूप में जाना जाता है। और टेफ्लॉन का एक फायदा ये भी होता है कि उससे चिपकते नहीं है, जैसे कोई चीज आप बना रहे पलटना वगैरह तो चिपकता नहीं है, दूसरी चीज जलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से जो है ये प्रभावित होता है। दिए गए यहाँ पर कुछ भिन्न है, उसमें से सबसे बड़ा भिन्न पूछा गया है कौन सा जो है वो होगा, जिसमें 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 करके है। तो आपको तरीका मैंने बताया कि इसका तरीका एक ये होता है कि आप दशमलव में निकाल लीजिए 4/9 की वैल्यू। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनको तिर्य गुणा भी कर सकते हैं, जिसमें ऊपर जो वैल्यू आएगी सबसे वो बड़ी होगी। जैसे अगर मैं आपको 4/9 यहाँ पर जो है वो लिखूं और उसके बाद कौन सा है 5/7 लिखूं, इसमें आपसे पूछूं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप इसको यहाँ गुणा कीजिए, 7 चक्कू होगा 28, यहाँ 28 लिख दीजिए और 5 9 जो 45, 45 यहाँ लिख दीजिए, यानी जिसमें वैल्यू बड़ी आ रही है वो भिन्न बड़ी। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं चारों को, मतलब कंपेयर कर सकते हैं। और अगर दशमलव में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.44 करके, 5/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.71 करके, तो इससे भी आप क्लियर पता चल जाता है इन दोनों भिन्नों में यही बड़ी है। पर अगर दशमलव में निकालते हैं थोड़ा समय लग जाता है कई बार, वैसे समय नहीं लगेगा क्योंकि 7 सी तो सिंगल सिंगल नंबर है, दो नंबर जो डिजिट होते हैं उसमें समय लग सकता है, तो ऐसे तिर्य गुणा करके भी आप देख सकते हैं। और इसका एक और तरीका होता है जो बहुत पहले बताया था, अब ज्यादा नहीं बताएंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 2.3 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब बटे में 2.1 का होल स्क्वायर और -2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर। इसमें आप देखेंगे तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है और नीचे देखेंगे तो वही चीज है, तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू कट जाएंगी। 5.8 जो लिखा है ये ए की वैल्यू है और जो 2.1 है ये ए की वैल्यू है और ये 5.8 बी की वैल्यू है। लास्ट में जो बचेगा वो केवल ए प्लस बी जो है वो बचता है, सारी वैल्यू कटने के बाद ए की वैल्यू आपकी 2.1 रहेगी, 5.8 बी की वैल्यू रहेगी, दोनों को जोड़ देंगे 7.9 आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला क्रिएट कर लेना होता है, ऊपर जो फॉर्मूला देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का उसको रखेंगे तो वैसे ही सारी वैल्यू कट जाएंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में, तो इसमें आपको सबसे पहले तो निकालना है कि कितने इसमें से अभ्यर्थी हैं जो उत्तीर्ण हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक परीक्षा जिसमें 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण है, ठीक है, और 80% अभ्यर्थी है तर्कणा यानी रीजनिंग में उत्तीर्ण है, तो यानी 80 इसमें जोड़ दीजिए। और कह रहा है दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में कॉमन होंगे, तो आपको निकालना क्या है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट जो है वो फेल हुए हैं। तो आपको अगर अभ्यर्थियों का कुल परसेंट पता है तो 100% होता है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को निकालेंगे तो 70-80 में से जो दोनों में कॉमन है वो 55% है, तो 55% इसमें से घटा दीजिए, 70 और 80 जोड़ेंगे कितना आएगा 150 आएगा, और इसमें से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका 95% आएगा। 95% वो अभ्यर्थी हैं जो कि आपके उत्तीर्ण हैं, और आपको क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण निकालना है। अगर टोटल 100 होता है तो 100 में से इसको घटा दीजिए 95 को, तो कितना बचेगा, 5 ही% तो बचेगा, 5% वो अभ्यर्थी हैं जो कि आपके अनुत्तीर्ण हैं। अगला कह रहा है कि 308, 125, 45, 120 और 102 का एवरेज क्या होगा? एवरेज निकालने के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जितने भी आपको यहाँ पर पद दिख रहे हैं 308, 125 और उसके अलावा 45, उसके अलावा 120, उसके अलावा 102, इन सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने पर कितनी वैल्यू आएगी, आप कहेंगे 700 वैल्यू जो है वो आएगी। बटे में क्या रखते हैं, पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, बटे में आप 5 रख देंगे, तो 700 बटे 5 करेंगे आपका 140 आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगली वैल्यू है रूट में, यहाँ पर वैल्यू इसमें केवल आपको यहाँ फॉर्मूला बना लेना है और एक तरफ से सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ की वैल्यू उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला के अलावा तो 3 का स्क्वायर करके उस तरीके से सॉल्व करने का मतलब नहीं, फॉर्मूला बना के कर सकते हैं।
अगला देखते हैं, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु धन अल्प हो जाएगा, इति, और यहाँ पर इति लिखा है, ई में बड़ी की मात्रा लगी है। पूछा गया है कि इसका सही अर्थ जो है वो क्या होगा, तो इति मतलब होता है समाप्ति, और जो इति में बड़ी की मात्रा लगी इसका अर्थ होता है विघ्न। इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो जाएगा। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, और इसी प्रकार आगे भी हम आपको सारे प्रीवियस ईयर जो है वो करा देंगे, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है या टॉपिक वाइज वीडियो वो सारी चीजें भी धीरे धीरे कराएंगे। पहले प्रीवियस ईयर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पता चलता रहे आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आए हैं, ताकि आप जो तैयारी करें वो उसी के अकॉर्डिंग करें। जैसे नॉर्मल आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे कि परसेंटेज वाला, वेन आरेख वाला, वो आया ही है हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इसको क्या कहते हैं? आस्तिक जो है वो कहते हैं। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम स्थावर का विलोम होता है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए इसका क्या अर्थ होता है? मतलब भय जो होता है उसका शमन शुरुआत में ही कर देना चाहिए। कहते नहीं कि अगर एक बार डर बैठ गया तो फिर वो परमानेंट के लिए हो जाता है, उस तरीके से इसका अर्थ निकालेंगे। अब यहाँ पर 41 और 42 क्वेश्चन आपको एक पैसेज दे रखा है, पैसेज यहाँ पर हम आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली एड अ हॉलीडे, तो आप कहेंगे नो, छुट्टी तो होती नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, तो थैंक यू कार्ड्स आपका हो जाएगा। ये ही दो 41 और 42 ही थे, इस पर भेज दिए चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। अब 43 प्रश्न है सिनोनेम से रिलेटेड, तो टेम का सिनोनेम पूछा गया है, तो साइल आप जो देख रहे हैं ये टेम का सिनोनेम हो जाएगा। एंटोनिम रैपिड का पूछा गया है, तो टैर्डी जो है ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तो आपका स्टोइक हो जाएगा, जिसको हम उदासीन कहते हैं, मतलब सारी स्थितियों में एक जैसा बना रहना। अगला यहाँ पर है कि दोनों कथनों को पढ़ें और बताएं कि सही ढंग से कौन दर्शाता है। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमत में वृद्धि की है, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया, आपको बताना है क्या कि कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। अच्छा, ये यहाँ पर सीधे आंसर ही दे दिया है, इसमें मतलब ऑप्शन दिए गए होंगे इस तरीके से कि कौन क्या कारण है, कौन किसका क्या प्रभाव है, तो आपको समझ में खुद ही आ रहा है। इस रीजन ये है कि सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है, ये कारण है, और इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि कंपनियों ने भी लैपटॉप की वृद्धि कर दी, तो ये जो सेकंड वाला कथन है ये कारण हो जाएगा और प्रभाव इसका पहला वाला कथन हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। अब यहाँ पर चाहे तो आप बना करके देख सकते हैं, चलिए बना ही देते हैं। जैसे ए ने अपने दोस्त बी से कहा और एक तस्वीर की हो, तो मान लेते हैं यहाँ किसी की तस्वीर है, ये तस्वीर है, और क्या कहा कि ये मेरी माँ, ए ने कहा अपने दोस्त बी से, तो ए की जो माँ है ये यहाँ रख लेते हैं, माँ इनकी ऊपर एक जनरेशन हो जाएगा। मेरी माँ के पिता, तो माँ का जो पिता होंगे वो एक और जनरेशन ऊपर जाएंगे, पिता की इकलौती बेटी तो ये माँ खुद ही होंगी, और ए जो है वो फोटोग्राफ वाला जो है वाले व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, तो ए इन माँ का बेटा लग रहा है, यही बात इसमें कही गई है, बेटा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से असंगत चुनिए, तो चार दिए गए होंगे किसी आधार पर, 301 आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010, सेम क्वेश्चन पिछले वाले उसमें बताया था कि अगर लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ते हैं, और एक अगर लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन बढ़ता है, बस उसी अकॉर्डिंग जोड़ लीजिएगा। रविवार से जोड़ेंगे तो आपका शुक्रवार तक 1 जनवरी 2010 तक पहुंच जाएगा। आपने ये चीज नोटिस की कि दो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन टाइप सेम रहता है, आपसे पहले जो शिफ्ट हो जब भी उनको जरूर देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये लिखा जाता है तो इफेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर देखिए ए लास्ट में लिखा है, इसी प्रकार तो यहाँ पर देखेंगे ए जो पहला अक्षर है और यहाँ पर लास्ट में है, ई जो लास्ट अक्षर है यहाँ पर पहला है, यानी ये आखिरी और पहले अक्षरों को आपस में एक्सचेंज किया गया। बीच वाले अक्षर देखेंगे तो उसमें प्लस वन किया गया, सी से डी जाएंगे तो प्लस वन किया गया, टी से आगे, आई से आगे, वी से आगे, डब्ल्यू, तो ऐसे करके बाकी सभी में प्लस वन किया गया है, ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ में आ रहा हो। इसी प्रकार अगर इफेक्ट को देखेंगे तो पूछा गया ना इफेक्ट को कैसे लिखेंगे, जो ई पहला है इसको सबसे लास्ट में कर दिया गया, टी सबसे लास्ट है इसको सबसे पहला कर दिया गया, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। बाकी सभी को प्लस वन किया गया, एफ से एक जस्ट आगे, एफ के बाद जी आता है, फिर एफ के बाद जी आता है, ई के बाद एफ आता है, सी के बाद डी आता, बाकी सभी में प्लस वन किया गया। अगला है कि भारत गौरव
पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो नेपाल आपका हो जाएगा। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए जो चल रहे प्रयास है उसके तहत इनमें से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल। वैसे तो ये पुरानी करंट अफेयर हो गई तो कोई मतलब नहीं बनता है। जून 2022 में भारत में इनमें से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो यूके। पर आप कहेंगे पुरानी तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस क्षेत्र से बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनते हैं। वो मेन उद्देश्य है हमें प्रीवियस ईयर से समझना। डैश कंपनी ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इनमें से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? कर्नाटक ने जो है इसको शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वाराणसी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन से संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने जो है इसको जारी किया। इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इसके विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही? तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर हो जाएगा। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI बैंक के द्वारा इसको लॉन्च जो है वो किया गया। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 5 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, इनमें से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो क्या है? तो ज्लॉटी जो है ये पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, इनमें से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति जो है वो होती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के इनमें से किस स्थान पर है? कोच्चि केरल में जो है ये स्थित है। डैश, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। थॉमस कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है ये आत्मकथा है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो जो भी पॉइंट लिखे हैं उसमें से ये सभी जो है आपके हो जाएंगे। 71 से 75 पर बेस्ड आपका एक यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है जिसको आप चाहें तो वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें और भी नीचे लाइनें दे रखी हैं और इस पर बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? तो माँ बाप का सपना पूरा करना, सुख चैन की जिंदगी बसर करना, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाना। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? तो अधूरे संस्कार दोषी है। विदेश में जा बच्चे बच्चों के माँ बाप द्वारा अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं कि ऐसा ना उनकी जग में हंसाई हो? बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते, अपने पुराने जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। तो इनमें से सही में कौन दोषी है? तो 2 पीढ़ियों का अंतराल जो है इसमें दोषी है। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिसमें उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? तो बच्चों के परिवार के सदस्य, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावा, चाल चलन, इस पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। और इसके बाद 76 से 80 तक आप देखेंगे तो एक और अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है जहां पर आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, इसको लेकर के आपका दे रखा है पैसेज और इसमें और भी नीचे दे रखा है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसे पढ़ भी सकते हैं। बाकी डायरेक्ट हम आंसर की बात करते हैं कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना ही अपनी राय थोपे। इनमें से कौन माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। माता पिता द्वारा प्यार दुलार और समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है, तो जो पुराने पीढ़ी तक विद्यमान थी इसका सबसे उचित कारण क्या है? तो पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है जिससे उसकी ग्रहणशीलता भी कम होती जा रही है। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं?
जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी होते हैं और अपने भविष्य को नहीं देख पाते। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा होता है? तो माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों जो है उनकी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी। इसके बाद जो आपके प्रश्न लास्ट के 20 आते हैं वो 4 DI अलग अलग आते हैं, और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना दिखा करके केवल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे DI आती है, क्योंकि इतनी फास्ट में आप देख करके कर नहीं पाएंगे। अगर हम इसको कराएंगे तो अलग से करा देंगे। तो एक आप देखेंगे इस प्रकार से डाटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलता है, इसके क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, पर मेरा मेन उद्देश्य आपको क्वेश्चन जो मेन चार्ट है वो दिखाना। एक वो आपने ऊपर वाला देखा, एक इस तरीके से मंथ पर बेस्ड आया था जिसमें PQRST करके कंपनियां और मंथ दिए गए, और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए। इसको हम अलग से ही कर लेंगे क्योंकि मेन यहाँ से 20 नंबर आने तो छोड़ने का तो कोई मतलब है नहीं। इसी प्रकार एक आपका इस प्रकार से वृत्त में आता है क्वेश्चन जिसमें मान सभी डिग्री में दिए होते हैं, तो डिग्री में वाली वैल्यू आपको निकालनी जो है वो आनी चाहिए, और कठिन बिल्कुल नहीं होते, ये मैथ से ज़्यादा सरल, एक बार अगर अच्छे से आप समझ लें। इस प्रकार लाभ और वर्ष दिए गए रहते हैं जिसमें आपकी सारी वैल्यू दे रखी होती है, और ये चौथा वाला आपका दे रखा है जहाँ पर एक चीज़ इसमें आप मेन फोकस करेंगे कि समय का सारा खेल होता है कि आप तय सीमा समय में आप सारे क्वेश्चनों को कर पाएं। तो ये हमारे 100 के 100 प्रश्न समाप्त हुए। इसी प्रकार जैसे 15 अक्टूबर के हम आपको करा रहे हैं, ऐसे ही 16 तारीख के भी 2 अलग अलग शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, उनको भी आगे हम आपको करा देंगे। और बता दीजिए कमेंट में एक चीज़ ये भी कि जो 2021 वाले हैं वो भी करा दें कि खाली 2022 के बाद फिर बाकी आगे चीज़ें कराएं, ये चीज़ अवश्य बता दीजिएगा कमेंट में। तो ये तो हमारे ओवरऑल वीडियो में, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।